जा रहा है तेल डलवाने के लिए। ये तो बहुत ही फनी सीन हो गया यार। तो अगर ब्लॉग ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो सनसेट दिखाऊंगा यही ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट ब्लॉग, चलिए देखते क्या होता है। गाइस इसका भी उतरने में तो इतना छोटा सा रास्ता था लेकिन पूरा सीधा खड़ा है ना चढ़ाई, चढ़ने में हालत खराब हो रहा है यार। देखो पूरा खाई है और खाई के अंदर पूरा फंक्शनिंग फॉल्स, मतलब वही है। ये अच्छा चीज देखने के लिए थोड़ा कष्ट करना पड़ता है हम लोग को। क्या अंडर वाटर लो लिया तुमको? हाँ अच्छा यार, डरा था कौन देखा तो नहीं। बता दो पहले हम लोग निकलना इधर से, वो तो इधर से भी ले आएगा भाई। ओके जहाँ जा रहा है वहाँ ऑफ रोडिंग करना पड़ रहा है। खा कर तुमने पानी नहीं पिया नहीं तो अभी हमें दुकान मिला है, मतलब 3 किलोमीटर आगे है तो वाटरफॉल से, तो यहीं में आप शॉपिंग कर लेना और चलिए। तो हेलो गाइस, हम लोग थांगशनिंग फॉल से निकल के यहाँ लाइट लूम आ गया। रिकी कॉल किया था, बोला कि आजा हम लोग यहीं पे, तो चलो फिर। तो अब हम लोग रिकी के पास जा रहा है एंड फिर यहाँ से निकल के घर जानेंगे, यहाँ से निकल के घर चलेंगे, जानेंगे नहीं। थक गया यार, ऊपर से बुलबुल में तेल भी नहीं है, थोड़ा सा तेल है, देखते हम लोग पेट्रोल पंप तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। यार ये आकाश का स्कूटी हम लोग का स्कूटी को तान के लेके जाएगा, लेट्स सी क्या होता है। चलिए अपना लाइफ लूम का भी शॉर्ट वॉट ले चुका है, अब निकलते घर के लिए यार। थक गया हम लोग बहुत ज्यादा, क्या मालूम धो तो रहा है, गंदा हो गया होगा शायद इसलिए। 4 मिनट 4 मिनट का ही है लेकिन बोतल में देगा नहीं ना। गाइस देख रहा है बुलबुल बंद हो गया क्योंकि आज पहली बार पेट्रोल खत्म हो गया पूरा का पूरा। लेकिन पेट्रोल पंप 4 मिनट सामने, एक पेट्रोल पंप था लेकिन वो बंद था पता नहीं क्यों। तो अब चलते हैं सामने वाला पेट्रोल पंप पे फिर तेल डलवाते हैं। क्या हो गया गाइस? देखो विवेक कितना भला मानुष है, ये मेरा बुलबुल लेके जा रहा है तेल डलवाने के लिए। 4 मिनट बोला था ना यहाँ से, तो हम लोग 7-8 मिनट तो लगे। यस विवेक यस कम ऑन गाइस, पेट्रोल खत्म आज। विवेक और आकाश मेहनत करते हुए, ये तो बहुत ही फनी सीन हो गया यार। डिक्की खोल के डायरेक्ट बंद कर देना, हाँ बट डर ना हैंडल नहीं संभाल, तुम बैठना पीछे भाई मेरा स्कूटी पे। क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है यार, आज का व्लॉग तो इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग हो रहा है मेरा। गाइस बुलबुल का तेल खत्म हो गया, हम बोला था कि लाइटलूम जाने से पहले चलता है तेल ढलवा के फिर चलेगा। नहीं मेरा भी बोला छोड़ नहीं, क्या फर्क पड़ता है हो जाएगा तो। देखो हो गया, हम लोग का इंटरेस्टिंग व्लॉग मिल गया, देख रहा है कितना मजा ना। अब देखते हैं पेट्रोल पंप कितना दूर है यार, चलो लेट्स सी क्या होता है। गाइस देख रहा है दुख पे दुख, हम बोल रहा है 0.5 किलोमीटर है चलता है, हम लोग इसे धक्का देके इसको लटकने रहने दे, वहीं पे खोलना पेट्रोल पंप पे चल, पीछे और मत लेके जाना भाई, तुम स्कूटी भी गिराएगा।
चलना रुक रस्सी निकाल ही देता है। अच्छा छोट चलता है तो टाइम ले कितना घंटे रुकेगा बोल। 5 मिनट अच्छा चल जान दे आकाश जान दे आकाश जाने दे उसको और हम जाने दे तुम तेज मत करना भाई हम तो तेज करेगा ना दो दो स्कूटी कैसे ब्लॉक करके रखेगा। ये रहा पेट्रोल पंप आ गया यस। गाइस गाइस देखो गाइस पेट्रोल पंप मिल गया फाइनली। तो आगे लेता है पेट्रोल का वीडियो छोड़ा। तो गाइस फाइनली फाइनली 100 रुपया का पेट्रोल डालवाएगा अभी हम क्योंकि कल सुबह फुल टैंकी करवाएगा। अभी सिर्फ 100 रुपया का पेट्रोल पंप यस। गाइस मेरी मेहनत का व्यायाम हमारी मेहनत का वही वही लेके चल वहीं पे ना। गाइस इतनी मेहनत के बाद फाइनली पेट्रोल पंप मिल गया। मजा आ गया यार अभी भी देखो धक्का दे रहा है इधर में। तो हेलो गाइस मैं घर आ चुका हूँ। मैं व्लॉग को लाइटलू में ही एंड करने वाला था लेकिन रास्ते में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस अलग अलग आए और हमारा बुलबुल खराब हो गया तो फिर रस्सी से हम लोग बांध के खींचने का ट्राई किया तो रस्सी उसी टूट गया तो सोचा कि आपको ये भी दिखा दूं। तो अब मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं। व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी बेहतरीन व्लॉग्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए ध्यान रखना।